एक बहुत ही बुरी खबर है जो हमारी एक बहुत ही बुरी खबर है जो हमारे फेमस यूट्यूबर निकू ब्लॉग्स पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट गया है। दरअसल निकू की बहन रिया ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि वही रिया के निधन के बाद अरमान मलिक ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निकू का परिवार बेहद ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले इनकी बहन रिया ने अचानक खुदकुशी कर ली। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिया MBA की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान मानसिक तनाव के कारण रिया ने ये कदम उठाया। कई दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको अपडेट देने के लिए काफी कमेंट आ रहे हैं। अभी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, उसका ये कारण है निकू भाई बहुत बीमार है, उसकी मम्मी बीमार है। रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसी कारण स्ट्रेस में भी थी, जिस कारण हमारे बीच में नहीं है। निको का कुछ ज्यादा लगाव था उससे, वो इसलिए बीमारी से उठ नहीं पा रहा और आप सब मिलके उसको। मैं आपको बता दें कि रिया की इस तरह अचानक जाने के बाद निको की हालत काफी गंभीर है। यहाँ तक कि निको ने यूट्यूब छोड़ने तक का फैसला भी कर लिया था। हालांकि परिवार के बहुत समझाने के बाद इन्होंने ब्लॉग फिर से कंटिन्यू करने को कहा। काम कर रहे हैं, रात को जाके खाना खिला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो काम ये करता था भाई। अब हमारे लिए नहीं, अपनी गैंग के लिए कुछ बोल दे भाई। जो गम से निकले भाई, गम तो पीना पड़ता है। निको बोले एक बार, ट्राई करता हूँ। तो भाई कोई बात नहीं, इतना बोला भाई, ट्राई करवाएंगे। वहीं रिया के इस तरह अचानक जाने के बाद निकू के बेहद करीबी अरमान मलिक ने भी इस पर रिएक्ट किया। दरअसल अरमान ने कहा कि ये खबर सुनकर इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि अब रिया हमारे बीच में नहीं है। साथ ही अरमान ने कहा कि रिया बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और उसका इस तरह से जाना हम सब के लिए बहुत दुख की बात है।